हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और फाइनली आज वो दिन आ गया जिसका मतलब बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। एंड आज हम ट्रैवल करने वाले हैं। वी आर ऑल सेट एंड इट्स टाइम टू लीव फॉर द एयरपोर्ट। हमने सब कुछ, आई थिंक पैकिंग एंड ऑल सब कुछ हो चुकी है। देखते हैं बाकी वहां पर जाके पता चलेगा क्या क्या भूल गए हैं। एंड टेल मी इफ यू गाइस आल्सो फेस दिस कि जाने से पहले ऐसा लगता है हम कुछ तो भूल रहे हैं, कुछ तो भूल रहे हैं। वो वहां तक पहुंचने तक दिमाग में चलता रहता है, ये रख दिया, फिर बाद में जाके ही पता चलता है। बट ऑलमोस्ट सब कुछ हो ही चुका है, मेरे को नहीं लगता हम कुछ भूले हैं। अब आपको आउटफिट चेक करवाते हैं हमारा और अब चलेंगे एयरपोर्ट पे, वहां पर सारे फ्रेंड्स मिलेंगे, फिर आपको मिलवाते हैं। चलो लेट्स गो। हमें गेट नंबर 1 से जाना है। चेंज इन प्लान, हमारी एंट्री गेट नंबर 1 से नहीं गेट नंबर 8 से हो रही है। वो एक्चुअली पापा के फ्रेंड करा रहे हैं एंट्री, तो थोड़ी जल्दी हो जाएगा, वो सारे फॉर्मेलिटीज जल्दी करा देंगे। इसलिए उन्होंने पहले 1 बोला था, नाउ दे आर सेइंग कि 8 पर आ जाओ। सो लेट्स गो। वॉक करने के बाद सो फाइनली वी आर एट गेट नंबर 8। ओह बाकी भी आ गए हैं। एक्साइटेड किड। एंड कोई आ चुका है, कोई ऑफिशियल उन्होंने भेज दिया है। हमारी एंट्री तो हो चुकी है स्टाफ गेट से। नाउ लेट्स सी इमिग्रेशन एंड ऑल कितनी देर में होता है। We have got our boarding passes. Now it's time for immigration. So guys, finally हमने लिखकर ना pre-book करवा दिया। हमें यहाँ पर आके पता चला कि अगर आप pre-book करवाते हो, अगर return पे आप आ रहे हो और अभी book करवा देते हो ना, तो उस पर 10% और हाँ और ऑफ मिल जाएगा जितना आपका बिल होगा। सो हमने pre-book करवा दिया और अब हम जा रहे हैं लॉन्च में। Let's go. जब से ये लॉन्च वाला सबको पता चला ना, इतनी लंबी क्यू होने लग गई है। देखते हैं कैसे एक्सपीरियंस होता है लॉन्च का भी। इनका हम लॉन्च में और देखते हैं गाइस, ये पूरा वर्थ इट है। लाइव स्टेशंस, मफिन, बहुत ऑप्शंस है। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर अवेलेबल है, वेज वालों के लिए भी, नॉन वेज वालों के लिए भी, कर्ड, योगर्ट्स, फ्लेवर्ड सब कुछ और लाइव ऑमलेट स्टेशन। इसलिए मैंने लॉन्च में ये प्लेन परांठा, डोसा, चटनी, सांभर और ये टमाटर कोई उत्तम टाइप्स। फाइनली बोर्डिंग चालू हो गई है, अब बोर्ड करेंगे। साथ ही तो है, सब साथ है, साथ ही 20 है सब। पीछे केबल से काफी मिड है, 20 मिड है। वी आर फाइनली बोर्डिंग। बोर्डिंग डन। See you in Phuket. And we have finally reached at Thailand airport. And yahan par 12:15 baj rahe hain, 12:15. And we are so freaking tired. Neend bhi puri nahi hui. ये एयरपोर्ट पे ही एक जगह है, यहाँ से हम सिम कार्ड ले रहे हैं, विच इज़ फॉर 200 baht, अनलिमिटेड कॉल्स एंड अनलिमिटेड डेटा। आई थिंक इट्स अ गुड डील, मतलब 500 rupees में 3 days का। एंड वी आर हेयर फॉर 3 days।
गाइस फोटो लेके आना। एंड यहाँ पर हम फोटो करा रहे हैं क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल है तो फोटो इम्पोर्टेंट है एंड हम लाना भूल गए। सो यहाँ से कराओगे तो आपको 350 बाद की 8 पिक्चर्स मिलेगी एंड 8 इज़ द मिनिमम नंबर, सो आपको लेनी ही पड़ेगी 350 बाद की। सो अगर आप आए तो लेकर आए, अगर वीज़ा ऑन अराइवल है तो फोटोज ही हाथ से लेके आना वरना आते ही चपत पड़ जाएगी। नींद में सो गाइस फाइनली डन विद द इमिग्रेशन और 2200 भाट का है वीज़ा और फोटो लाना मत भूलना। ये मैं फिर से कह रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ तगड़ा हुआ है, 8 फोटो इंडिया में जो मैं 100 रुपए की खिंचवाता ना, यहाँ पर वो एक फ़ोटो मेरे को 100 रुपए की पड़ी है। करेक्ट। तो फोटो लाना मत भूलना और 2200 भाट का इमिग्रेशन और इतना कोई वो नहीं है भीड़ की। हाँ मैं लग रहा था काफ़ी टाइम लग जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स में सारा काम हो गया। 30 से भी कम ही वैसे तो, फॉर्म भरना इन सब। हाँ, उसका 30 मिनट्स बट बढ़िया था। चलो सो गाइस फाइनली डन विद एवरीथिंग, अब हमने यहाँ से टैक्सी बुक करी है, यहाँ पर ही इन्हें बना रखे हैं स्टोर्स कह लो इन्हें या स्टैंड कह लो, यहाँ से आप टैक्सी बुक कर सकते हो। हमने 1100 भाट की करी है पेटोंग तक की, विच इज़ 1 आवर अवे फ्रॉम दी एयरपोर्ट, और सही है मतलब ऑलमोस्ट सारे 1200 ही मांग रहे थे, एक ने 1100 करा और हमें सही लगा तो हमने बुक कर दी। यस, अनबार्गेनिंग करना मत भूलना। बार्गेनिंग करना तो हाँ बट इतना कुछ करते नहीं है मेजर की वो कर दे, बट क्यों दे स्टार्टेड विद 1400 नो। हाँ बट बीइंग इंडियन आप कोशिश जरूर करो। एंड ठीक है मिनी बस फॉर 5 पीपल क्योंकि हमारे लगेजेस वगैरह भी काफी है। एक्चुअली इधर ऑप्शन शेयरिंग का भी था कि यू कैन शेयर बस भी होती है इनके पास, यू कैन शेयर विद अदर पीपल। 180 भात पर पर्सन था, पर पर्सन थी, बट हमने अपनी प्राइवेट मिनी बस ही करी। ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं क्योंकि हमें 5 पीपल 180 वुड बी अराउंड 900 और समथिंग व्हाटएवर, इतना भी पड़ा अब उतना। तो यहाँ की आपको स्लिप देनी है वो जो अंदर से मिली थी। पैसे फटाफट ले लिए गाइस और अब टैक्सी आने में इतना टाइम लग रहा है और वेदर सही है, यहाँ हमारा मंचिंग चल रही है। This is our minibus. Private minibus. Punter, आजा। क्या बोला इसको? Punter. तो अब हम रुके हैं यहाँ पर पेट्रोल पंप पे और इधर 7-Eleven है, जैसे हमारे इधर 24/7 होता है इधर 7-Eleven होता है, यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाएगी। इधर खाने का भी सामान होता है, ये फ्रोजन आइटम्स भी है, ये बेस्ट ही होता है होटल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये अच्छा ना, चिकन और चिकन वाला तो बहुत अच्छा लगता है। दिस इज चिली चीज़ और ये गरम करके देते हैं, ये हीट करके देते हैं यहाँ पर और कह रहे काफ़ी रीजनेबल होता है। ये सारा मैं कपा नूडल्स लेके जाऊंगा और इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा इनका टेस्ट कैसा होता है, बाकी अभी देखते हैं। यहाँ कॉफ़ी की भी वेंडिंग मशीन होती है, आप यहाँ से ग्लास ले सकते हो और वेंडिंग मशीन से अपनी मर्जी से ले सकते हो। तो मैंने यहाँ का हॉट डॉग ले लिया और दिस इज़ फॉर 35 भाट, सही लग रहा है, अब गर्म करवाते हैं और चलते हैं। हमने 7-Eleven से पैक करा लिया क्योंकि बहुत ही भूख लग रही थी सबको। मैंने कॉफ़ी लिया एंड दिस इज यम्मी। एंड दिस इज ओनली फॉर 50 बक्स, इतनी तो इंडिया में भी नहीं मिलती सस्ती। हॉट डॉग खा लिया और सच्ची बता रहा हूँ प्राइस वाइज और टेस्ट वाइज इतना अमेजिंग था
काफी मजा आ गया। हमने बर्गर लिया था, चिकन, हॉट डॉग लिया था। मैं स्टारबक्स की कॉफी ले रही हूँ, स्टारबक्स की कॉफी से बेटर लग रही है मुझे। हाँ, ये स्टारबक्स की कॉफी से लिटरली बेटर है। और विच इज अप्रॉक्स 50 रुपीज ना, 50 रुपीज में 20 बात मीडियम कप, मीडियम कप। फाइनली आफ्टर 1 आवर की ड्राइव के बाद वी हैव रीच ओकवुड। ये मेन पे टोंग में ही है, और भी होटल्स हैं यहाँ पर, देखते हैं रूम कैसा होता है। सो हियर्स अ क्विक रूम टूर। दिस इज कॉफी एंड स्टाफ, दिस इज पूरा मिरर, हियर्स द वॉशरूम छोटू सा, एंड देन द लगेज एरिया एंड क्यूट लिटल रूम। इट्स अ कनेक्टिंग रूम, दूसरे रूम में बाकी के फ्रेंड्स हैं। लेट्स सी व्यू क्या है। This street is lit, guys.